बाद में आपको बताता हूँ। जो लोग कहते हैं कि पहले मेरे से जुड़ें और इसे शेयर करें, पेज को लाइक करें, अच्छा लगे तो। सीट बेल्ट 1000, गलत साइड 5000, शराब पीकर 10, एम्बुलेंस को रास्ता नहीं देंगे तो 10, और लाइसेंस के 5000, आरसी के 5000, पॉल्यूशन के 10000, इंश्योरेंस के 2000। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपका कहीं चालान कट जाए, आपको लगे कि मेरा यहाँ चालान कट गया और बहुत ज़्यादा का हो गया, आप घबराएं मत, बिल्कुल मत घबराएं। आपको 15 दिन का टाइम मिलता है चालान भरने का, उस टाइम आप ऑफिस में जाइए। ऑफिस में जाकर उस चालान को संबंधित ऑफिसर को दिखाइए। दिखाने के बाद जो डॉक्यूमेंट आप पेश करेंगे, जितने भी डॉक्यूमेंट आप, जिनका आपका चालान कटा हुआ है, संबंधित अधिकारी को दिखाएंगे, तो उसमें से आपके, जैसे लाइसेंस का 5000 का कट गया और आपका लाइसेंस घर रह गया था, वो आप दिखाएंगे तो सिर्फ 100 रुपये। आरसी 5000 है, अगर वो आप दिखाएंगे तो भी 100 रुपये। पॉल्यूशन 10000 है, आरसी दिखाएंगे तो 100 रुपये। इससे आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, क्योंकि अभी मैं आपको बताना चाहूँगा, जागरूकता की कमी के कारण कुछ लोग पूरा चालान भर रहे हैं। जागरूकता की कमी के कारण कुछ लोग पूरा का पूरा चालान भर देते हैं, और उससे क्या होता है कि जैसे ही वो चालान भरेंगे तो उनके पूरे पैसे लगेंगे। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, चेक इन के दौरान यदि वाहन के डॉक्यूमेंट नहीं होने के चालान होता है तो उसके कागजात चेक कराकर रद्द करवा सकते हैं। इसलिए प्रत्येक डॉक्यूमेंट जो भी आप कागज लेके जाएंगे उसका 100 रुपये जुर्माना जमा करवाना होगा। चालान का भुगतान करने वाले चालकों को इस तरह से की जानकारी देते हैं, उनका मकसद है कि यातायात नियमों का पालन हो और दुर्घटनाएं कम हो। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इसमें गलत क्या है? कुछ लोग कहते हैं कि करप्शन बढ़ेगा। करप्शन तो आप बढ़ा रहे हो, आप रिश्वत को बढ़ावा दे रहे हो। आप अपने चक्कर में बचने के लिए और उससे निपटने के लिए आप खुद उसके जुम्मेवार हो। क्योंकि यार एक बात बताइए मुझे, हेलमेट 1000 रुपये का लगा लो, वो आपकी खोपड़ी की सेफ्टी करेगा, आपके परिवार की सेफ्टी करेगा, आपके ऊपर आपका पूरा परिवार डिपेंड करता है। लेकिन हम अपने लालच में कि कोई नहीं, जानकार होगा, कोई पुलिस वाला छटवा देगा या कोई और छटवा देगा, अब ऐसा नहीं चलेगा। क्योंकि हमने अपने देश को बदलना है और एक जागृति लेके आनी है। उस मारे में आप सभी को कह रहा हूँ, नए वोटर एक्ट में यातायात नियमों की उल्लंघना करने पर जहां चालान की राशि 10 गुना बढ़ा दी है, वहीं पर चालान रद्द करवाने का भी प्रावधान है। शायद किसी को पता नहीं है, लेकिन बहुतों को पता है, ये जानकारी शेयर जरूर करें। इसलिए प्रत्येक जुर्म विदाउट इंश्योरेंस, आरसी लाइसेंस, पॉल्यूशन परमिट के कागजात दिखाकर 100 रुपये देकर माफ करवा सकते हैं। इस माफी की अवधि चालान के 15 दिन तक की है। इस प्रावधान की वाहन चालकों को जानकारी नहीं होने के कारण वह कई बार चालान के पूरे पैसे जमा करवाते हैं। इसलिए अब 1000 से लेकर 30000 तक एक वाहन के किए गए चालान से लोग चिंतित हैं। लेकिन संबंधित प्लानिंग ब्रांच में जाकर अपने डॉक्यूमेंट्री चेक करवा चालान माफ करवा सकते हैं। डॉक्यूमेंट्री चालान करवाने की अवधि से पहले के होने के चाहिए। अकाउंट किए गए वाहन संबंधित भी यही प्रक्रिया है। संबंधित प्लानिंग ब्रांच को जिन जिन पॉइंटों पर चालान किए हैं उनको वेरीफाई करवाना होगा। नए वोटर व्हीकल नियम में सबसे कम 100 रुपये जुर्माना है। बगैर लाइसेंस गाड़ी चलाना पर अब 5000, बिना इंश्योरेंस के 2000, विदाउट आरसी 5000, विदाउट पॉल्यूशन 10000 रुपये जुर्माना है। इस तरह के चालान को डॉक्यूमेंट दिखाकर माफ करवाया जा सकता है। नया एक्ट लागू होने के बाद करनाल जिले में पुलिस ने 850 चालान किए हैं। 2 दिसंबर को आरटीए टीम ने अब तक ओवरलोड वाहनों का सर्वाधिक चालान 1,32,000 रुपये किया है। अब आप मुझे बताइए, सेक्टर 13 में ब्लैक फिल्म जीप 17,000 का चालान और इंपाउड की, क्या ब्लैक फिल्म के बिना आप नहीं रह सकते? ब्लैक फिल्म लगाकर आप सिद्ध क्या करना चाहते हो? बाइक पे, गाड़ी पे किस चीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं? भाई मैं तो इन चीज़ों के बिल्कुल खिलाफ हूँ। अगर मेरा भाई भी होगा तो मैं भी यही कहूँगा कि उसका भी चालान कीजिएगा। एक फ़ोटो मैं आपको दिखाता हूँ, ये ध्यान से देखना, ये देखिए, क्या ये ठीक है? मैं तो
अपने देश के हर युवा को एक ही बात कहना चाहूँगा कि करप्शन को आप बढ़ावा दे रहे हो। जब कोई पुलिस वाला चालान काट रहा है तो आप चालान कटवाइए, क्योंकि चालान सिर्फ 100 रुपये का है, आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, तो आप डॉक्यूमेंट दिखाइए और अपना चालान से निपटिए। अब मैं आपको बताता हूँ कुछ चीज़ें, अगर आप इसे सभी ग्रुपों में शेयर करेंगे, लोग ज़्यादा देखेंगे, जागरूक होंगे और अपना पैसा भी बचाएंगे और अपनी सेफ्टी भी रहेगी। पहले हम देखते थे बाइकें रोड के ऊपर जितनी भी आती थी, 100 में से कम से कम 10ों के पास हेलमेट होते थे, लेकिन बदलाव आया है आज की डेट में। अगर 100 बाइकें आती हैं, कम से कम 60 के ऊपर हेलमेट मैंने खुद अपनी आंखों से देखे हैं। मोबाइल बचाने के लिए कवर लगा सकते हैं, लेकिन जान बचाने के लिए सीट बेल्ट और हेलमेट नहीं लगा सकते। चार्जर और पावर बैंक रखना नहीं भूलते, गाड़ी का कागज लेकर चलना भूल जाते हैं। जियो सिम के लिए घंटों इंतजार कर सकते हैं, रेड लाइट पर 5 मिनट के लिए नहीं रुक सकते। फोन का रिचार्ज टाइम पर कर सकते हैं, गाड़ी का इंश्योरेंस पॉल्यूशन टाइम पर नहीं कर सकते। क्यों फिर कहते हैं चलेगा, सरकार ने ट्रैफिक जुर्माना बढ़ा के अच्छा नहीं किया, ये गंदी सरकार है, ये है वो है। आपको गंदी सरकार लगती होगी, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। मेरी अपनी जो राय है, आपको जागरूक करना, और मैं आप सबको कहना चाहूँगा कि आप जितने मेरे भाई से देख रहे हैं, एक बार इसे ग्रुपों में शेयर करके ज़्यादा साथियों को जोड़ें और ये जानकारी अपने ज़्यादा से ज़्यादा साथियों के पास पहुँचाएँ, क्योंकि चालान सिर्फ 100 रुपये का है। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, डॉक्यूमेंट बनवाइए और जब भी चलें अपने साथ रखिए। अगर किसी कारण आप भूल भी जाते हैं, चालान भरते टाइम अपने चालान चेक कीजिए, करवाइए और उससे टिक मार करके हटाइए। सोचो जब बाइक गाड़ी चलाते वक्त फ़ोन पर बातें करते हैं तो ध्यान कहाँ होता है, और ज़्यादा फर्क नहीं रहता अगर साइड में रोक कर बात कर लें। मैं खुद भी करता था पहले, मुझे भी कई बार फ़ोन आता था, सुन लेता था, लेकिन वही हमारी स्पीड कम हो जाती है और बहुत से एक्सीडेंट फ़ोन और शराब पीकर गाड़ी चलाने से होते हैं। जो बेचारे कभी शराब नहीं पीते, उनकी जान का जुम्मेवार कौन, और एक्सीडेंट करके भाग जाते हैं, उन्हें उठाते भी नहीं है। 150 को तो मैंने बचाया रोड से उठाकर। आप मुझे एक बात बताइए, जब विपिन जी आप बताइए क्या आपका जवाब आपको देंगे, और जो मेरा पूरा लाइव सुनेगा उसकी हर बात का जवाब मेरे इस लाइव में मिलेगा। मैं कोशिश करूँगा हर बात का जवाब देने की। गलती हम करें, गाड़ी पुलिस को ऐसा नहीं करते। हम भी आपके बेटे हैं, भाई हैं, किसी के बच्चे हैं, किसी के बाप हैं, किसी के ताऊ हैं, हमारा भी परिवार है। अगर आप लोग ऐसे पुलिस को गाली देंगे, कहीं आप पुलिस की पिटते हुए की फ़ोटो वीडियो अपलोड कर रहे हैं, वो पता नहीं किन कारणों की, किस स्टेट की और कहाँ की होती है, लेकिन आप ये नहीं देखते, वेरीफाई भी ना किए भरम फैलाते जा रहे हो कि चालान कर दिया किसान ने, आत्महत्या कर ली। भाई चालान किया है तो किसान आत्महत्या क्यों करेगा, ये बकवास बिल्कुल। आपको सहयोग करना चाहिए, पांचों उंगली एक जैसी नहीं होती। सारे डिपार्टमेंटों में कुछ ना कुछ भ्रष्ट लोग बैठे हैं, अगर आप उनकी भ्रष्टों की वीडियो बनाकर डालोगे तो मैं आपके साथ हूँ, और उन्हें सजा दिलवाने में भी आपके साथ हूँ। अगर आप अच्छे काम करेंगे तो फायदा है। विपिन भाई आप इसे शेयर कीजिए। हाँ बिल्कुल, समय लगेगा, लोग जागरूक होंगे, भ्रम फैला रहे हैं कुछ लोग सोशल मीडिया पर कि चलने वाले चालान काटने से दुखी किसान ने फांसी खा ली, आत्महत्या कर ली, कहीं बाइक की फोटो डाल रहे हैं कि बाइक को आग लगा दी, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब बकवास है और ये संकी किस्म के लोग ही ऐसे काम करते हैं। भारी भरकम चालान से ना घबराएं, सिर्फ 100 रुपये देकर रद्द करवा सकते हैं चालान। अगर आपको मेरी बात से ठीक लगे, सहमत हो, तो इसे शेयर करते रहिए हर ग्रुपों में, ताकि ज़्यादा लोगों तक जाए। मैं दोबारा बताना चाहूँगा कि चेकिंग के दौरान यदि डॉक्यूमेंट कागजात नहीं होने के कारण चालान होता है तो उसके कागजात चेक करवाकर रद्द करवा सकते हैं। इसलिए प्रत्येक डॉक्यूमेंट का आपको 100 रुपये जुर्माना देना होगा। यह जानकारी सभी को दें और दुर्घटनाओं से बचें, और भाई शराब पी के गाड़ी मत चलाएं। आपके बच्चे हैं, आपके माँ बाप हैं, आपके घर पे कोई वेट कर रहा है। कोई भाई कह रहा था कि ऐसा करने से करप्शन बढ़ेगा, मुझे बताइए करप्शन क्यों बढ़ेगा, करप्शन का कारण कौन है? करप्शन का कारण तो सबसे बड़े हम आप खुद, हम लोग नहीं, अकेले। कहते हैं पुलिस वाले ने मेरे से 100 रुपये ले लिए, क्यों दिए जब आपका चालान 100 रुपये का हो रहा है, तो आप क्यों ऐसा
घटिया काम कर रहे हो, रिश्वत को बढ़ावा, तो हम अपने टाइम को बचाने के लिए, अपने आप को बड़ा आदमी साबित करने के लिए, अगर सरकार एक बाई का सुझाव आया था, अगर सरकार नया हेलमेट अभियान शुरू किया है तो उसमें थोड़ा सा सुधार करना चाहिए। जैसे किसी व्यक्ति के पास हेलमेट नहीं है तो पुलिस चलान करती है, उसके बजाय पुलिस वाले उस व्यक्ति को उसी समय हेलमेट दे और हेलमेट के पैसे ले, उससे सर भी हो जाएंगे। अगर बिना हेलमेट लगाए तो आदमी फिर मिलता है तो दोबारा ऐसा करो, क्योंकि वो मजबूर हो जाएगा हेलमेट लगाने के लिए, भ्रष्टाचार भी कम होगा, बीमा ना हो तो तुरंत उसका चलान की बजाय बीमा करवाया जाए। भाई आपकी बात सुनील यादव जी हैं बहुत अच्छी है, लेकिन आपको ऐसी ऐसी चीज़ें फेसबुक के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार तक पहुंचानी चाहिए कि जिसके पास हेलमेट नहीं है अगर वो बिना चलान मिलता है तो उसे हेलमेट दिया जाए, वरना बिल्कुल भाई जयराम की जय श्री राम। और भाई इसे शेयर कीजिए जितने मेरे भाई देख रहे हैं। कोई भाई कह रहा है कि खराब सिग्नल है तो जुम्मेवार अधिकारी को जुर्माना, सड़क पर गड्ढे हैं तो जुम्मेवार अधिकारी को, अतिक्रमण फुटपाथ अधिकारी जुर्माना, सड़क पर रोशनी नहीं, सड़क पर कचरा बह रहा है, सड़कों पर लाइट के खंभे नहीं हैं, और भाई खुद ही सड़क कोई मरम्मत नहीं, तो जो चोटिले होते हैं उनका जुम्मेवार कौन। बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन ये बातें हमें अपनी सरकार तक पहुँचानी पड़ेंगी, मेरा यही कहना था। और मैं आपको दोबारा फिर बताना चाहूँगा, भारी भरकम चलान से ना घबराएं, सिर्फ 100 रुपये देकर रद्द करवा सकते हैं चलान। कैसे? जब आपका चलान कटता है चेकिंग के दौरान, यदि आपके पास कागजात नहीं है होने के कारण चलान कटा है, बाइक बाउंड हुई है, तो उसके कागजात चेक करवा कर रद्द करवा सकते हैं। इसलिए प्रत्येक मिनट जितने आपके डॉक्यूमेंट होंगे उन डॉक्यूमेंट पर डॉक्यूमेंट का 100 रुपये आपको देना पड़ेगा, चाहे आपके 4 चलान डॉक्यूमेंट के हुए हो चाहे 5 के हुए हो, घबराने की जरूरत नहीं है। सारे कागज तैयार रखें, कोई भी कागज घर ना भूलें, भूल जाएं तो अपने पैसे बचाएं, और सड़क सुरक्षा नियम जो हमने सबने सबके लिए चला रखा है और हमारी सरकार ने जो इतना बढ़िया निर्णय लिया है उसका समर्थन करें। और सभी से दोबारा यह अपील करूँगा मेरे भाई, क्योंकि अच्छी चीज़ें कम लोग देखते हैं और कम लोग ही शेयर करते हैं। सुरेश कुमार कादियान मेरे भाई, इसे सभी ग्रुपों में आप शेयर करें। और दर्शन मेरा भाई मास्टर जी, मैं दोबारा यही कहना चाहूँगा कि इसे आप सब शेयर करिए, या सराविस, और जितने मेरे भाइयों ने इसे शेयर किया उनका दिल से धन्यवाद। हरिराम चौधरी, जय हिंद सर मेरे भाई, जय हिंद, सबको मेरी राम राम। और सोहनलाल गोड़ है मेरे भाई, कह रहे हैं मैं सरकार के इस कदम से बिल्कुल सहमत हूँ, लोग कहते हैं कि पोल्यूशन का चालान महंगा है, ये सोच के पोल्यूशन कार्ड कितने में बनता है कभी सोचा है? 30 रुपये की पर्ची में के चक्कर में आप कितने लोगों को दुम में से मार रहे हो, आप जुम्मेवार हो। मैं सबसे दोबारा अपील करूँगा मेरे साथियों कि मैं बिल्कुल मत घबराओ और हर चीज़ का जागरूकता फैलाओ, हर आदमी तक अपनी बात पहुँचाओ और इसे शेयर कीजिए। जितने मेरे साथी देख रहे हैं सबको राम राम, जय हिंद, जय हिंद, वंदे मातरम। और मैं सल्यूट करता हूं मेरे उन भाइयों को जिन्होंने इसे शेयर करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का काम किया या कर रहे हैं, ताकि हमारी ये बात दूर तक जाए और लोग अपने पैसे बचाएं, अपनी सुरक्षा के प्रति निश्चिंत होकर निसंकोच अपने घर को जाएं। कभी चलान कट जाए तो ये मत घबराएं कि मेरा 30,000 का कट गया, मेरा 50,000 का कट गया। और ये भ्रामक स्थिति जो फैला रहे हैं कमीनी किस्म के लोग, घटिया मानसिकता वाले, कि फलाने ने अपना ट्रैक्टर फूंक दिया, फलाने ने अपनी बाइक फूंक दी, फूंकने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका आप जोड़ के देखो, सीट बेल्ट का 1,000 का, गलत साइड का 5 का, नहीं लाइसेंस 5,000, RC 5,000, पॉल्यूशन 10,000 और इंश्योरेंस 2,000, आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है, आपकी बाइक जब्त हो गई है या आपका चलान कट गया है, तो टोटल हुए 22,000। लेकिन आप अगर अपने डॉक्यूमेंट, यही डॉक्यूमेंट 15 दिन के अंदर संबंधित विभाग में आके चलान भरेंगे, उस टाइम इसे चेक करवाइए कि सर मेरे ये डॉक्यूमेंट पूरे थे, मैं घर भूल आया था, मेरी कमी थी, मेरी गलती है और इसे ठीक किया जाए, तो आपके सिर्फ 400 रुपये लगेंगे लाइसेंस, RC, पॉल्यूशन और इंश्योरेंस के। जहां 22,000 रुपये बनते हैं, सिर्फ 4,000 में आपका पीछा छूट जाएगा। लेकिन आगे आप हेलमेट बिल्कुल बाइक के बांध के रखिए,
जब भी घर से निकले उसे सर पे रखें, और अपने परिवार के लिए कम से कम अगर आप लेके चलेंगे तो जागरूकता आएगी। सबको मेरी राम राम, जय हिंद, जय भारत।